सर बर्फी नहीं तो जग्गा जासूस। और आई लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर हाँ प्लीज वंस मोर। All right, so that's Anurag Basu, ladies and gentlemen. Give it up for Anurag sir. एक बार, come on, please. सर ये इनको इनसे करवाना पड़ता सर, क्या करूं मैं, मीडिया वाले ना। नमस्कार सर, बड़े अच्छे लोग हैं आप। तो ओके, मूविंग अहेड टू द ब्यूटी ऑफ द शो। वेल हाँ, साफ करना पड़ेगा सर, मैं एक मिनट थोड़ा सा। ओके, एक काम करते हैं। यस, हमारी द ब्यूटिफुल, द एवरग्रीन, द गॉर्जियस, द वाइवेशियस, इनके बारे में कितनी सारी चीजें हम कहें, बहुत सारी चीजें कम है, फॉरगेट इट, हम ज्यादा ना कहते हुए उनका स्वागत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर नन अदर देन ऋत्विक धनजानी। सॉरी, वाज बैड, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर शिल्पा शेट्टी। सवाल पूछने को कहें, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शिल्पा मैम, यू हैव टू टेल अस कि सुपर डांसर, यू आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्री पिलर्स ऑफ द शो, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द शो? इतने सारे डांस रियलिटी शोज, इतने सारे शोज के बाद now you know super dancer, so what is it that you want out of the super dancer that's going to be? Main kya chahti hu? Yes, dance ka kal. As simple as that. Yeah, I know. No, I mean on a serious note, very good evening to members of the press. Aur ha, ye show maine bar bar dohraya hai ki alag hai mere liye. Alag isliye hai kyunki ab tak jo bhi maine shows judge kiye hain, जजिंग के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो परफॉर्म करते हैं वो लोग भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस शो में ये खासियत है कि जो परफॉर्मर्स हैं हमारे, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जज करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इट्स सो अमेजिंग, आई रियली विश दैट वी ऑल थॉट विद आवर हार्ट्स एंड यू एक्चुअली लर्न सो मच गुडनेस फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल चिल्ड्रन who are only full of heart and love, and जो वो कर रहे हैं हमारे इस platform पे, वो भी उनके दिल से आ रहा है। और मैं मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ उनको जज करने के लिए। ये मैं बहुत बारी सोचती हूँ, और आई एम श्योर दैट यू नो बींग जजेस, एंड आई वुड टेक द कार्ड ब्रांच इवन टू से दैट अबाउट अनुराग एंड गीता, एंड गीता एंड अनुराग आई थिंक हैव हैड बहुत सारा एक्सपीरियंस नो इन टर्म्स ऑफ जजिंग चिल्ड्रेन, लेकिन आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत मुश्किल है बच्चों को जज करना। तो मेरे लिए एक लर्निंग कर्व है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे इन बच्चों से। कितना झूठ बोलेंगे यार। अरे यार सच्ची बोल रही हूँ यार, हमारा काम आसान हो गई है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग मुझे डांटते रहते कि मैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट पे मैं रोना शुरू कर देती हूँ। हाँ हाँ, नहीं ये बात बिल्कुल सच है। हमने जितनी बार भी ऑडिशंस में देखा ना, इनको हर बच्चे में वो ना बोलने से पहले खुद रो देती है। ना कैसे बोलेंगे, इतना मुश्किल होता है पता है ना बोलना। इट्स सो हार्ड। तो एक्चुअली हमारे जो जो टॉप 12 या टॉप 15 होते हैं, वैसे हमारे टॉप 100 होने वाले हैं इस बार। हैं, होने वाले हैं, क्योंकि एक शो पे ना आप जीते थे जहाँ पे मैं जज थी, और मैंने बहुत रूट किया था तुम्हारे और आशा के लिए। कितनी अच्छी जज है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, सारे बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं इनसे। मैं पॉइंट्स वापस ले रही हूँ। बट ऑलराइट, अच्छा गीता मां, नाउ नॉट गीता मां बट गीता कपूर। सो मैम आप बताएं कि यू हैव जज सो मेनी शोज अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, और इतने सारे यू नो बच्चों को डांस करते हुए, बच्चों बड़ों सबको डांस करते हुए देखने के बाद, नाउ सुपर डांसर, सो व्हाट नाउ
अब इसके आगे डांस का कल क्या? मैंने भी सोचा था कि अब क्या, लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग कि इतना टैलेंट है इंडिया में, एंड इट्स अमेजिंग कि आप जितने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करो ऐसा लगता है कम है, बिकॉज द मोर आई सी द मोर आई गेट. मुझे इस शो पे आके और टैलेंट दिखा है, एंड वाकई में डांस का कल दिखा है. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड नाउ. सो या, फैंटास्टिक. ऑलराइट दादा, बोल. आप बताएं कि व्हाट, आपने भी इसके पहले बच्चों का एक शो जज किया, मेरे साथ ही जज किया सर, मैं वहां पे भी एंकर था, बट वो एक अलग शो, ये एक अलग प्लेटफॉर्म, वहां पर एक्टिंग, यहां पर डांसिंग. सो नाउ एज अ डांसर, सुपर डांसर, डांस का कल, डांस का फ्यूचर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतनी सारी चीजें देख ली, तो आपके हिसाब से डांस का फ्यूचर क्या है इन बच्चों में स्पेसिफिकली? यार, आई एम द लास्ट पर्सन टू से दैट, बिकॉज ये डांस का आज है, ये डांस का कल ढूंढ रहे हैं, और मैं डांस का बीता हुआ कल हूँ. तो आई एम द पास्ट. लेकिन देख, मुझे तो यही उम्मीद है इस शो से कि एक सब बच्चों के साथ कनेक्शन हो, और अभी से हो गया है, अभी से दिल जुड़ गए हैं बच्चों के साथ, ताकि मतलब जब लास्ट शो जब खत्म हो रहा होता है ना, बहुत दुख होता है, लेकिन वो मीठा दर्द होता है. सब बच्चों के इतना कनेक्शन हो जाता है, सारे अपने बच्चे लगते हैं, इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, बड़ा इंस्पायरिंग होता है ऐसे शो में जज बनना. और मैं तो ऑडियंस की छवि हूँ वहाँ पे, डांस करना तो मुझे मतलब बहुत कम आता है, तो आई एम द लास्ट पर्सन टू जज हाउ दे आर डांसिंग, हाउ दे आर नॉट डांसिंग, क्या गलती है, उसके लिए शिल्पा और गीता हैं. लेकिन इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, ऐसे छोटे से हम्बल बैकग्राउंड में पापा मजदूर हैं, बच्चा डांस क्लास जाता है, डांस करता है. डांस क्यों करता है? ताकि अपनी मिजरी से भाग सके, खुशी मिले उसे. वो डांस शो में आने के लिए डांस नहीं करता है, ये तो बस हुआ ये कि हम वहाँ ऑडिशन करने गए, वो लोग मिल गए. तो इतनी इंस्पायरिंग कहानियाँ मिलती हैं यार, मुझे तो, मैं तो ज़्यादा लेके जाऊँगा इस शो से जितना कि मैं दूंगा. आई एम बीन सेल्फिश इन दिस शो. सो स्वीट, सो स्वीट. वेल, सो ये थे हमारे जजेस के वर्ड्स, बट आप लोग कुछ पूछें और आप लोग इस शो के बारे में कुछ जानना चाहें, उससे पहले मैं आपको इस शो की एक छोटी सी झलकी दिखाना चाहता हूँ. सो प्लीज हैव अ लुक. एंड आई थिंक नाउ इट शुड बी ओपन फॉर मीडिया टू आस्क क्वेश्चंस. See, they have to have some X factor. और कहते हैं ना, जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें डांस का फ्यूचर चाहिए, there has to be a style, an inherent style in that child. और ऐसे ऐसे भलते भलते स्टाइल देखने को मिला है हम लोगों को इस शो पे. आई डिडंट इवन नो, वी डोंट इवन नो व्हाट टू कॉल दोज डांस फॉर्म्स. सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इंट्रोडक्शन इवन फॉर द ऑडियंसेस. अरे यार, ये कैसे डांस कर रहा है? एक तो बच्चा सिर्फ नाड़े के साथ डांस करता है. ही कम्स इन द चड्डी एंड ही इज जस्ट डांसिंग विद अ नाड़ा, दैट्स हिज प्रॉप. नो, आई एम सीरियस. और इतने कॉन्फिडेंटली नाचता है कि वी डिडंट हैव अ चॉइस बट टू जस्ट सिलेक्ट हिम. और एक मतलब कुछ मैंने ब्रेक डांस देखा है, ये कुछ और ही. हाँ, मतलब मासूम एक लड़का है, बिल्कुल लड़की है, सॉरी, बट शी इज़ लाइक अनबिलीवेबल. और जैसे अनुराग दा ने कहा, they are so, I mean, many of them are not even privileged ki unhe dance classes jane ka ya dance teachers unko sikha rahe, aisa bhi nahi hai. they are like, you know, laborers children, house help ke bacche jinke paas matlab they don't even have clothes, their parents don't even have the money to buy them clothes. wo borrow karke they've won something and they've come and they've performed at the auditions. to imagine अगर उनको ट्रेन किया जाए तो उनका लेवल क्या हो सकता है. सो दैट्स व्हाट वी आर अमेज्ड विथ. सो वी हैव एक्चुअली गॉट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. अब तो ऑडियंसिस के ऊपर है कि उनको हमारा सिलेक्शन अच्छा लगे, और उस लॉट में से सीव करके जो हमने मतलब मेगा ऑडिशंस के लिए तैयार किया हुआ है, उन सिलेक्शंस को बस ऑडियंसेस को वो पसंद आ जाए. मैम, एज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप, हु आर योर आइडल्स एज डांसर्स? डिड यू आइडलाइज एनीवन? आई लव्ड मिथुन दा, डिस्को डांसर, वाज लेजेंडरी. एंड माय फेवरेट वाज ऑलवेज, इज ऑलवेज श्रीदेवी. Hi, my question is to Danish. The show really looks great in terms of what we have seen in the trailer. What is the budget? Some light that you can throw on that?
budget. Wow. I won't like to revisit it. आप सोनी में काम करना चाहती हैं? Very sweet of you. Unfortunately, I can't reveal the number, but yeah, it's decent okay. enough for Ranjit to be happy and we to afford all this big judge panel. You know. I was going to say they spent a lot on me. He only pointed at you. I hope you know that.